हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज मन्ना। एंड अभी जस्ट मैं क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास मैंने स्टार्ट की थी, तो मुझे याद आया जस्ट बिकॉज मैं सुबह सुबह अपने जो कल की वीडियो थी ना उस पर गो थ्रू कर रही थी, एंड सो मेनी मैसेजेस वर लाइक क्रिटिकल रीजनिंग कैसे करियो, कहाँ से करियो, कौन सी बुक से करियो, ऐसा, क्योंकि मैंने कल शायद मेंशन किया था वीडियो में। ओके तो अब बात देखो, फर्स्ट जो इसमें मैं दो चीजें आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। फर्स्ट ये कि प्लीज डोंट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली। ओके कि जैसे मैंने कुछ बता दिया, आप सोचो कि इन्हीं से करूंगा तभी मेरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट मे बी एट द एंड मुझसे वो चीजें नहीं बने जो आप बना सकते हो। तो हमेशा जिस टीचर की, जिस बुक की आपको समझ में आएगी, आप वहीं से सॉल्व करना जिस पीडीएफ की। ओके ये रिकमेंड मैं कर रही हूँ। अब दूसरी चीज ये, अब मैं बता देती हूँ कि एक्जैक्टली मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होगा एक्सप्लोर करने का जो भी है मैंने वो चीजें की हैं। तो देखो, सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक से एनालिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग मुझे शुरू करनी थी, तो मैंने काफी चीजें करने के बाद नोटिस करने के बाद एक चीज कि मैं जो स्मार्टकीड़ा है उसकी वीडियोस हैं 60 वीडियोस की प्लेलिस्ट। अब ये मत कहना तुम दे दो, चेक कर सकते हो कुछ से। आप स्मार्टकीड़ा की उसमें जाओ यूट्यूब पे, वहाँ पे 60 वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिलेगी अमित सर की, वो प्लेलिस्ट है, सर्च भी करोगे तो भी आ जाएगी, वो वाली करो। ओके मैं आज क्लास 15 और 16 वहाँ से कर रही हूँ, छोटी छोटी वीडियो है 20-20 मिनट की। उसके बाद में आपको एक बार निपटा लेनी है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है। फिर उसके बाद में जितने भी आगे और टीचर्स की वीडियोस है ना, उनमें जिन्होंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रखा है हम वो करेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन लोगों ने मोस्टली पूछ रखा था कि मैंने कौन सी बुक करी हूँ। देखो ये वाली बुक है, ये वाली बुक मेरी प्रीवियस वीडियोस में साल पहले भी आप देखोगे ना तो भी आपको पता लगेगा कि इस बुक को मैंने ट्राई किया था, लेकिन तब मैंने पढ़ी नहीं थी। मैं उस टाइम पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, क्यों नहीं पढ़ी, मेरे पास टाइम था स्टिल। अब देखो यहाँ पे मैंने ये 2022 में डेट डाल के ना, ये तब की है, उस दिन मैंने शुरू की थी, पर उस टाइम पढ़ नहीं पाई थी इतना, पर ठीक है थोड़ा बहुत टाइम दिया था, क्योंकि आईपीएस पीओ मेंस के लिए मैं पढ़ रही थी उस टाइम, मुझे अभी भी स्टिल याद है। और फिर मैं आईपीएस पीओ मेंस देखा, मुझे कुछ बना नहीं, रिजल्ट जब आया मार्क्स देखे तो मुझे लगा क्रिटिकल रीजनिंग नहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब उसका क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आने लग गया, तो मैंने सेम बुक उठा ली और सेम क्लासेस शुरू कर दिया। इसके अलावा और कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के लिए नहीं कर रही हूं। ओके तो एक ही चीज है, क्रिटिकल रीजनिंग आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो पॉइंट्स को समझो कि अजम्पशंस कैसे होते हैं, अजम्पशन बेस्ड आपके लाइक स्टेटमेंट्स बनते हैं, फिर स्टेटमेंट से क्या इन्फेरेंस बनते हैं, फिर उसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होते हैं, प्रोसेस चलती है। तो आप ना बुक में से कोई भी वीडियो से डायरेक्ट जब सिमिलर मतलब करोगे ना, तब जाके वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन एक चीज समझ लेना, क्लासेस कितनी भी लगा लो, जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन के आंसर को पूरा डीपली नहीं पढ़ोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन मुझे भी अभी तक नहीं आ रहा है, मतलब मुझे समझ में कहीं ना कहीं इमोशनली मैं चार्ज हो ही जाती हूँ जब क्वेश्चन को करी होती हूँ। वो हमें बिल्कुल बिल्कुल नल एंड वॉइड कर देना है जब हम क्रिटिकल रीजन के क्वेश्चन करेंगे, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड अदर देन दिस इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। सिंगल सिंगल पर्सन को आई डोंट थिंक सो रिप्लाई कर सकती हूँ, बट हाँ वीडियोस में जब एक वो काफी तरफ से काफी सारा सिमिलर कोई डाउट होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके थैंक यू सो मच गाइस, सारा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।